हिटलर के तरह शासन चलता है। नेपाली नगर का लगभग घर को तोड़ रहा था, जब हम गए तो बीच में गोली और पत्थर चली हम पर। तो आपके पास ना कोर्ट का आदेश, ना आप गवर्नमेंट का सहारा लिए, कागज इनके पास है, मजदूर के पास है, और वो कह रहा है कि मैं जमींदार हूँ। खुद जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो सरकार का सहारा लेने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि वो जमीन आपका है तो निश्चित रूप से कोर्ट में जाकर के हमको आदेश लेना चाहिए। तो आपके पास ना कोर्ट का आदेश है, ना आप गवर्नमेंट का सहारा लिए, राइफल बंदूक का सहारा लेना अब इस युग में मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी उचित नहीं। हम अभी इनको इलाज के लिए जितना खर्च होगा मेरे तरफ से होगी, हमने मदद किया है, लेकिन हम चाहेंगे कि जमींदार भी और किसान जो मजदूर है, दोनों आदमी अपने अपने पेपर के अनुसार कानूनी पर रहे। जोर जबरदस्ती किसी चीजों का जमींदार आप किसको कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं या फिर जो वो? देखिए, वो कह रहा है कि मेरी जमींदारी है, मैं जमींदार, जमीन तो वो पहले से, वो कह रहा मेरा है, तो जमींदार तो अपने कह रहा है। ये तो मजदूर हुआ ना भाई, इनको तो टुकड़े में ना सबको मिला लाल कार्ड, तो ये तो मजदूर है, कागज इनके पास है, मजदूर के पास है, और वो कह रहा कि मैं जमींदार हूँ। भैया आप कानून का सहारा लीजिएगा ना, आप राइफल बंदूक का सहारा तो नहीं ले लीजिएगा, किसी को मार तो नहीं दीजिएगा, ये तो नहीं होगा ना। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आप हमको बताइए ना, नेपाली नगर का याद है आपको, जिसमें हम पर गोली चली थी, पटना राजीव नगर नेपाली नगर, नेपाली नगर का लगभग घर को तोड़ रहा था, जब हम गए तो बीच में गोली और पत्थर चली हम पर। आज अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन जिन के घर तोड़े गए हैं 10-10 लाख रुपया दो गोली, आज तो हम जीते ना, मेरा संघर्ष जीता, हम पर लाठी पत्थर चले, सब लोगों ने कहा कि वाह इन बात पप्पू यादव क्यों जा रहे हैं वहां, और 70-60 साल के जो लोग घर बना करके कर्मचारी पदाधिकारी थे उसके घर को आपने तोड़ दिया, बुलडोजर नहीं चला दीजिएगा आप, वो क्या कानून है, क्या हिटलर के तरह शासन चलता है, कानूनता हर जगह संघर्ष करेगी। पीड़ित बयान दे रहे हैं, बगल में यहाँ भी की दृष्टि, बगल में ये जो 5000 घर है आनंद नगर यहाँ भी की दृष्टि, हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, मैंने दिखवा लिया हाईकोर्ट में, लोअर कोर्ट का एक ऑर्डर है, हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया उसका इम्प्लीमेंट क्या कारण नहीं हुआ, क्या सही क्या गलत, लोअर कोर्ट ने बगैर नोटिस दिए जब मैं वहां